मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान के निर्माण कार्य को समय रहते पूरा करने के लिए शासन के निर्देश पर प्रमुख वन संरक्षक वन्यजीव PCCF वाइल्ड लाइफ सुनील कुमार पांडे और शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान के निदेशक NK जानू ने संबंधित अधिकारियों के साथ प्राणी उद्यान के निर्माण कार्यों का गहनता से निरीक्षण किया। इस प्राणी उद्यान में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु के रहने के लिए बनाए जा रहे बाड़ों तक पहुंचकर संबंधित अधिकारियों से निर्माण कार्य की स्थिति के बारे में जाना। वहीं कार्यदायी संस्था राजकीय निर्माण निगम के अधिकारियों के साथ बैठक कर प्राणी उद्यान को समय रहते गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया। इस दौरान वन विभाग के अधिकारी व कार्यदायी संस्था से जुड़े हुए संबंधित अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। आपके वही तो बताइए, आप श्योर ही नहीं लग रहे हैं। अरे जेम साहब आप इधर आइए ना, कहाँ फोन में लग रहे हैं आप यार, बातें हो रही है साइड पे। आप यही बोला था आपके सामने ही बोला था कि सर 31 मार्च तक हम स्ट्रक्चर पार्ट जो हम पूरा कर देंगे और जो है हमको सफाई करने में 1 महीना लगा, बोला अप्रैल तक जो है स्ट्रक्चर में फिर उसमें होंगे कि अप्रैल के बाद आप सीधे जाए तो हम लेटर लिख सकते हैं। हाँ ये हमारा आलू सब कंप्लीट हो गया, क्योंकि कैसे ये आपकी सफाई है वो कंप्लीट हो गया पार्किंग आपकी CC हो या CC हो गया कैसा सफाई हो चुकी है। इसको लेके हाई टेंशन लाइन को लेके ये कहना है, जब प्रमुख सचिव की यहाँ मीटिंग हो चुकी है उनके मिनट जारी हो गए तो अब और किस निर्णय की फ्रंट वाला बिना उसके नहीं पाया गया, क्योंकि कई बार डंपर जो है टच कर गया ऊपर गया तो उसके कारण पूरी लाइन बंद हो गई। फ्रंट वाले के लिए पूरी वास्तव में प्रॉब्लम हो गई, तब तक वो 3.5 मीटर 4 मीटर रेक नहीं कर सकते। उन्होंने सर बाद में इंडिविजुअल आइटम्स की डिली नहीं की, 31 मार्च से कहते रहे कि सब हाँ 31 मार्च बाकी दूसरे आइटम हमने नहीं इंडिविजुअल इसकी टाइमलाइन है आपने क्योंकि वही छोटी पहले में छोटी पहले मीटिंग 6 बजे की थी, आप तो मुझे 4:30 मीडिया कर्मियों से बात करते हुए प्रमुख वन संरक्षण वन्य जीव PCCF वाइल्ड लाइफ सुनील कुमार पांडे ने बताया, कार्य की गति मुझे आज धीमी मिली है। 29 जनवरी को मैंने यहाँ निरीक्षण किया था, अब तक 12 बार मैं इस जू का निरीक्षण कर चुका हूँ लगभग 1 वर्ष में, तो आज काम की गति को धीमी है। बताया गया कि होली के बाद अभी लेबर यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन कई बाड़ों में जो पिछले निरीक्षण के समय काम बताए गए थे न होने से और इस पे मैं चाहूँगा कि जो हमारे
एजी राज्य निर्माण निगम के और जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं त्वरित कार्रवाई करें। माननीय जी की प्राथमिकता की एक परियोजना है जिसको मैं चाहता हूं कि समय से शुरू हो सके, एनिमल्स जानवर यहां आ सके और पूर्वांचल के लिए एक अत्यंत खूबसूरत और आधुनिक प्राणी उद्यान चालू हो सके जल्दी से जल्दी। आज के कार्य की प्रगति देख के 31 मार्च मुझे नहीं प्रतीत हो पा रहा कि ये कर पाएंगे। एजीएम साहब भी निर्माण निगम के मौजूद हैं, इन्होंने अप्रैल में इसको सफाई आदि करके पूर्ण करने का वादा किया है।